इधर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिक्षा विभाग पर कई संगीन आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। हर्षदेव का कहना है कि 3-4 दिनों पहले जो सरकारी टीचर्स के तबादले किए गए हैं उसमें शिक्षा विभाग द्वारा धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि जिन टीचर्स के आसपास के इलाकों में तबादले हुए हैं उन लोगों से पैसे अधिकारियों ने रिश्वत ली है, लेकिन जो पैसे नहीं दे पाए उन टीचर्स का तबादला मीलों दूर कर दिया गया। हर्षदेव सिंह ने ये मांग करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार इंक्वायरी बिठाए, वरना वो एजुकेशन डायरेक्टर का घेराव करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। टीचर को बेनिफिट देने के लिए ट्रांसफर जो है उसी क्लब स्कूल के अंदर उसका नाम बदल के ट्रांसफर की गई है, यानी वो टीचर उसी अदायरे में काम करता रहेगा। ऐसा कभी भी आज तक देखने को नहीं मिला है। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरीके से करप्शन जो है वो बढ़ेगी तो एक बहुत इसका असर जो है निजाम के ऊपर पड़ेगा। हम ये मांग करते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए विजिलेंस द्वारा, और जितनी भी ट्रांसफर्स 3 दिन पहले की गई है मास्टर्स की उन सबको अबेयंस में रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पैंथर्स पार्टी उन गांव के लोगों के साथ मिलकर जहां जहां से टीचर्स उठाए गए हैं और जहां पोजीशंस को खाली कर दिया गया है टीचर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के लिए, मनी मॉनिटरी कंसिडरेशंस के लिए डायरेक्टर का घेराव करेगी और उसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार।